Hello friends, welcome back to my channel. Hope you all are doing well. So before we start this video, make sure you subscribe to my channel and also hit the bell button for further notification. Now let's start. So friends, आज मैं फिर से आपके साथ एक कुर्ता रिव्यू वीडियो शेयर करने वाली हूँ. जी हाँ, ये Aurelia ब्रांड का कुर्ता है. तो ये वेबसाइट पे कुर्ता कुछ ऐसे दिखता है एंड इसको मैंने Flipkart से परचेस किया है. तो इस वीडियो में हम इस कुर्ते की प्राइस, क्वालिटी एंड डिज़ाइन डिस्कस करेंगे. तो ये कुर्ता मुझे कुछ ऐसा रिसीव हुआ. ये बहुत ही प्यारा येलो कलर का कुर्ता है एंड ट्रस्ट मी, ये कुर्ता ना बिल्कुल भी वैसा टाइप का येलो नहीं है जिसको देख के अजीब सा लगे. आई थिंक ये थोड़ा ऑरेंज अंडरटोन में जा रहा है. तो चलिए अब इस कुर्ते को मैं ओपन करके दिखाती हूँ कि कुर्ता मुझे कैसे रिसीव हुआ. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके प्राइस की. तो इस कुर्ते की एक्चुअल MRP थी 1199 रुपीज़ एंड ये मुझे सेल में 435 रुपीज़ में रिसीव हुई. एंड गाइज, यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट शेयर किया, आप देख सकते हैं इसकी डिलीवरी भी कितनी फास्ट हुई थी. तो चलिए बात कर लेते हैं अब इस कुर्ते की. तो बात करें हम इसके नेक की, तो ये एक राउंड नेक कुर्ता है एंड नेक पे ऐसे दो लाइन सीक्वेंस के लगाए हुए हैं जो कि गोल्डन कलर के हैं एंड सीक्वेंस की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है. यहाँ पे मैं आपको क्लोजअप भी दिखा रही हूँ ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि ये सीक्वेंस ना इस कुर्ते के साथ काफ़ी अच्छे से जा रहा है. उसके बाद जैसे जैसे हम चेस्ट एरिया पे आते हैं तो फॉयल प्रिंट से, गोल्डन फॉयल प्रिंट से एंड ब्लू कलर के फॉयल प्रिंट से बहुत अच्छे से यहाँ पे चेस्ट पे डिटेलिंग की हुई है जो कि फ्रंट पे देखने में काफ़ी अच्छा लगने वाला है. एंड छोटे छोटे गोल्डन एंड ब्लू कलर से ना छोटे छोटे डिज़ाइंस बनाए हुए हैं. और जैसे जैसे हम नीचे आते हैं तो कुर्ते के ऐसे ना बीच में डिज़ाइंस दिए हुए हैं फॉयल प्रिंट से एंड साइड में ना बिल्कुल भी प्लेन कपड़ा है एंड फॉयल प्रिंट भी काफ़ी अच्छा किया हुआ है, काफ़ी नीट है. ये बिल्कुल भी धोने से बाहर नहीं आने वाला. फिर ऐसे चेस्ट एरिया पे एक बड़े से फ्लावर की डिटेलिंग है जो कि फॉयल प्रिंट से की गई है ऑब्वियसली. एंड बीच बीच में ना ऐसे छोटे छोटे फॉयल प्रिंट की डिटेलिंग की हुई है. यहाँ पर गोल्डन एंड ब्लू कलर के फॉयल प्रिंट को यूज़ किया गया है जो इस कुर्ते के लुक को काफ़ी इन्हेंस कर रहा है एंड ये कुर्ते को काफ़ी अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, बिल्कुल भी मिसमैच नहीं कर रहा है. एंड ऐसा है कि आप इसके साथ गोल्डन कलर के पलाजो या फिर बेज कलर की लेगिंग्स भी पहन सकते हैं या फिर आप चाहे इसके नीचे ब्लू कलर के लेगिंग्स या पलाजो भी पेयर अप कर सकते हैं बिकॉज इसमें ब्लू कलर का थोड़ा हिंट दिया हुआ है जो कि इस कुर्ते के साथ ब्लू कलर का लेगिंग्स या पलाजो काफ़ी अच्छे से जाने वाला है. बट मैं इसके साथ रेड कलर का पलाजो टीम अप करने वाली हूँ बिकॉज मैंने जब इसको ट्राई किया था तो रेड कलर के पलाजो के साथ ये काफ़ी अच्छा लग रहा था. एंड गाइज, अगर आप Aurelia के कुर्ते ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं तो आपको पता होगा कि Aurelia के जो भी फॉल प्रिंट वाले कुर्ते वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते और जो लीवा मटेरियल के कपड़े होते हैं इनके वो काफ़ी कम्फर्टेबल होते हैं, वो ना हमारे बॉडी में बिल्कुल भी चुभते नहीं है. एंड चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस कुर्ते के स्लीव्स की. तो हमको यहाँ पे 3/4 स्लीव्स मिलते हैं एंड स्लीव्स में बहुत अच्छी डिटेलिंग की गई है फॉयल प्रिंट से. यहाँ पे मैं आपको अच्छे से खोल के दिखाती हूँ बिकॉज़ ये ना थोड़ा क्रश हो गया. तो ये कुर्ते पे आपके हाथ पे ये इसकी स्लीव्स आएगी तो ये काफ़ी अच्छी लगने वाली है क्योंकि इसका ना डिज़ाइन काफ़ी अच्छा बनाया गया है. एंड चलिए बात कर लेते हैं इस कुर्ते के बैक की. तो बैक हमें अगेन बिल्कुल प्लेन मिलता है एंड बैक पे वहाँ पे दो स्टिचेस लगाए हुए हैं साइड्स में ताकि ये कुर्ता आपको अच्छे से फिट आए एंड ये कुर्ता आपको अच्छे से हग कर ले जिससे इसकी फिटिंग काफ़ी अच्छी हो जाती है. एंड ऊपर से लेके नीचे तक बैक में पूरा कुर्ता प्लेन दिखता है हमको. यहाँ पर कैमरा इस कुर्ते के एक्चुअल कलर को कैच नहीं कर पा रहा है बट यहाँ पे मैं इस कुर्ते का एक्चुअल पिक शेयर कर रही हूँ. ये कुर्ता एग्जैक्टली इसी कलर में आपको रिसीव होने वाला है. तो बेसिकली ये कुर्ता काफ़ी अच्छा है एंड ये कुर्ता ना लीवा मटेरियल का है एंड हम सबको पता है कि लीवा मटेरियल के कपड़े काफ़ी सॉफ्ट होते हैं एंड काफ़ी ब्रीदेबल होते हैं. गर्मियों में भी आप इसको ईजिली कैरी कर सकते हैं. इस कुर्ते के कलर एंड डिज़ाइन ने मुझे काफ़ी अट्रैक्ट किया, दैट्स द ओनली रीज़न आई हैव ट्राई दिस पर्टिकुलर कुर्ता. आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका डिज़ाइन काफ़ी नीट है. ये कुर्ता देखने में काफ़ी डिसेंट है एंड ये मुझे काफ़ी अच्छे प्राइस में मिल गया है. तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप ऐसे येलो कलर के कुर्ताज ट्राई करना चाहें तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें. एंड ये कुर्ता जिस भी वेबसाइट पे अवेलेबल होगा उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ पर जाके चेक कर लें. और अगर आप ऐसे और भी वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर लूँगी, वहाँ पे आप जाके चेक कर लें. गाइज, यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी. सिर्फ मेरे कहने से आप ये कुर्ता या फिर कोई भी कुर्ता जिसका रिव्यू मैंने अभी तक कर रखा है वो ना ले. अगर आपको कोई भी कुर्ता अच्छा लगता है, अगर आपको सूट कर रहा है, अगर आप
आपके बजट में वो कुर्ता आ रहा है तभी आप उसको परचेज़ करें। कभी कभी ऐसा होता है कि जो कुर्ता मुझे पसंद आ रहा है फिर जो मेरे बॉडी टाइप को सूट कर रहा है वो आपको सूट नहीं कर, बिकॉज सबके बॉडी टाइप अलग होती हैं एंड सबकी चॉइस भी काफ़ी अलग होती है। आपको बता रही हूँ कि अगर ये कुर्ता आपको अच्छा लग रहा है, अगर मेरी वीडियो से आपको लग रहा है कि हाँ ये कुर्ता अच्छा है आपको सूट करने वाला है तभी आप लें। ये था आज का मेरा कुर्ता रिव्यू वीडियो। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप और भी ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ लेके आ सकूँ। एंड गाइज, अगर आप स्किन केयर, हेयर केयर एंड DIYs के वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो उसके एक अलग से प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप उसको भी चेक करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।